हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका पीसी फीफा 22 मैनेजर करियर मोड में। यह स्पोर्टिंग सीपी का मैनेजर करियर मोड थर्ड सीजन अब मैच है स्पोर्टिंग सीपी का यूसीएल क्वार्टर फाइनल स्पोर्टिंग सीपी अगेंस्ट नापोली। फर्स्ट लेग अटलेटिको मैड्रिड और लिवरपूल के बीच जो फर्स्ट लेग हुआ था उसमें अटलेटिको मैड्रिड ने लिवरपूल को 3-0 से हराया और सिटी और स्पर्स के बीच फर्स्ट लेग हुआ था वो ड्रॉ हो चुका है, 1-1 ड्रॉ क्वार्टर फाइनल फर्स्ट लेग स्पोर्टिंग सीपी अगेंस्ट नापोली। देखिए क्या होता है इस मैच में, क्या कर पाती है दोनों टीमें अपनी मेन लाइनअप के साथ। काफ़ी चेंज लग रही है, नापोली की बैक लाइन थोड़ी चेंज लग रही है। फर्स्ट लेग चालू हो चुका है स्पोर्टिंग सिटी अगेंस्ट नापोली। इस मैच में सिंकोस नहीं होंगे, उनकी जगह क्वारेज़्मा होंगे, जो पिछली मैच में येलो कार्ड मिला था उन्हें, उस वजह से वो रेड कार्ड में कन्वर्ट हो चुका है, इस मैच में होंगे नहीं। अब देखिए क्या होता है इस मैच में, क्या कर पाती है स्पोर्टिंग सिटी। डिक्लन राइस टैकल पेलिया का, कमाल का टैकल, मोहम्मद साला बहुत ही बेहतरीन ड्रिबल मोहम्मद साला का, ओ पासिंग अच्छी है, टैकल पेलिया के ऊपर, एक अच्छा टैकल नापोली सेंट्रल बैक्स का। ओ ये क्या, बहुत ही अच्छा मौका है, गोंजाल्विस पास अच्छा नहीं कर पाई, इस बार मौका है गोंजाल्विस, पेद्रो गोंजाल्विस शूट, नापोली न्यू गोलकीपर का सेव, मार्टिनेस का सेव, ओहो बहुत ही बेहतरीन से गोलकीपर का। जाओ पेलिया, मार्टिन नूनेज, जाओ पेलिया, ओ अलेक्जेंडर इसाक शूट, ब्लॉक हुआ शूट, एक अच्छा मौका बन रहा था, या से अटैक करने की कोशिश नापोली की, बहुत ही अच्छा मौका, मजरावरी पहुँचने की कोशिश कर रहे तो क्वारेज़्मा, ओह मजरावरी, केविन ट्रैप का आसान सा से, पोलिटो का कॉर्नर, देखिए क्या कर पाते पोलिटो इस कॉर्नर के जरिए क्लियर करने की कोशिश, क्लियरेंस तो पूरी तरह से हो नहीं पाया शुरुआत के लिए, ओहो ब्लॉक, ओहो डियागो कार्लोस इंग्स, डैनी इंग्स क्लियरेंस, मोहम्मद साला पास, अलेक्जेंडर इसाक गलत पास किया अलेक्जेंडर इसाक ने, माथी नूनेस को करना था, पेद्रो गोंजालेस को करने की कोशिश की, अब यहाँ से अटैक नापोली का, क्रॉस शूट गोल, बहुत ही बेहतरीन गोल पोलिटो का, नंबर 27 बहुत ही अच्छा पास आया, ओहो अच्छा बहुत ही अच्छा क्रॉस और शूट, केविन ट्रैप रोक नहीं पाई शूट को, मार्टिटो पोलिटो, फर्स्ट हाफ फेडिंग मोमेंट से कॉर्नर मिल चुका है गोंजालेस का, कॉर्नर हेडर सेव मार्टिनेस का, लॉरिस का हेडर था। फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं रहा स्पोर्टिंग सिटी के लिए, नापोली ज़्यादा अच्छा खेली फर्स्ट हाफ में, देखिए सेकेंड हाफ में क्या कर पाती है नापोली, अब कॉर्नर के जरिए मौका है सेकेंड हाफ में, इंग्स का कॉर्नर नापोली के लिए, देखिए आता है इस कॉर्नर के जरिए क्लियरेंस पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया बॉल, ओ शूट सेफ हो गया केविन ट्रैप की ओर से, और एक कॉर्नर इस बार पोलिटानो का कॉर्नर, ओ शूट माथिन नूनेज, अलेक्जेंडर इसाक, पेड्रो गोंजालेस के लिए पास निकालने की कोशिश, शूट नहीं बन पा रहे स्पोर्टिंग सिटी की ओर से, नापोली डिफेंस अच्छा खेल रहा है, ओहो देखिए क्या होता है, ओ इंटरसेप्ट हुआ पास स्पिनियर की ओर से, अब मौका है नूनो मेंडिस, ओह नूनो मेंडिस का कॉर्नर, लारिक्स हेडर नहीं लगा पाए इतना अच्छा, मजरावी अब मौका है क्रॉस का, हेडर गोल, कॉर्नर के बाद एक अच्छा मौका बना, नंबर 18 गोल लारिक्स, बहुत ही अच्छा हेडर, कॉर्नर के बाद एक अच्छा मौका बना मजरावी का क्रॉस, और उतना ही अच्छा हेडर लारिक्स का, ओपन थे लारिक्स, कोई भी उनकी कवर नहीं कर रहा था, उन्हें कोई भी लॉरिस को कवर नहीं कर रहा था, और बहुत ही बेहतरीन हेडर, मार्टिनेस के पास कोई मौका नहीं, साइड नेट में था काफी ज़्यादा, यूसीएल फर्स्ट गोल लारिक। अब सब्स्टिट्यूशन की बारी, क्वारेज़्मा सब्स्टिट्यूट होंगे, उनकी जगह राइज आएंगे, गोलकीपर केविन ट्रैप को थोड़ा आराम दिया जाएगा सिर्फ एक मैच के लिए, डबल सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, नूनो मेंडिस क्रॉस करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, बहुत ही अच्छा मौका है, ओ ये क्या हुआ, क्लियर होकर दिया किस तरह से बॉल, क्लियर हो नहीं रहा था नापोली की ओर से बॉल ठीक से, ओ नहीं
उसमें निकल चुके आगे। ये क्या होता है, गोलकीपर सेव नहीं कर पाए। ओहो गोल आ चुका है, ओसमैन नंबर 9 ओसमैन गोल। स्क्रीन यार क्लियर करने की कोशिश की, उससे पहले पास आया और गोल विक्टर ओसमैन 9 मैच 4 गोल। लुसियल उल्टानो अच्छा मौका है, ओसमैन बॉल कवर करने की कोशिश, शूट ऑफ टारगेट थी जो भी थी क्लियर। फुल टाइम हो चुका है, नापोली ये मैच जीत चुकी है 2-1 से। नापोली 2 स्पोर्टिंग सिटी 1। लारिस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अब मैच है स्पोर्टिंग सिटी का एस्टियल पेरिया के अगेंस्ट। ये टीम है 16 पोजीशन पे। इस टीम के अगेंस्ट सेकेंडरी लाइनअप के साथ फिक्सिंग करेगी स्पोर्टिंग सिटी। देखिए क्या होता है इस मैच में, अगर पाती है स्पोर्टिंग सिटी। ये मैच जीत चुकी है स्पोर्टिंग सिटी 3-0 से। यूवरिट्स का 1 गोल, अलेक्जेंडर इसाक के 2 गोल। काफी अच्छा मैच रहा स्पोर्टिंग सिटी के लिए। क्लीन शीट रखने में भी कामयाब होगी इस मैच में स्पोर्टिंग सिटी। अब आ चुका है यूसीएल क्वार्टर फाइनल सेकंड लीग मैच। पीएसजी ने शायद रोमा को हरा दिया है। अब आ चुका है सेकंड लीग स्पोर्टिंग सिटी अगेंस्ट नापोली। फर्स्ट लीग जीता था नापोली ने 2-1 से। ये क्या होता है इस बार सेकेंड लीग में, तो लेन वापस आ चुके हैं स्पोर्टिंग सिटी के मेन सेंटर बैक्स में से एक। फर्स्ट लीग में वो थे नहीं। मैच चालू हो चुका है स्पोर्टिंग सिटी अगेंस्ट नापोली। ये क्या होता है इस मैच की जगह पाती है नूनो मेंडिस अच्छा मौका है पेड्रो गोंजालविस। ओहो बहुत ही अच्छी पासी अलेक्जेंडर इसाक शूट गोल। शुरुआती मोमेंट से ही बहुत ही बेहतरीन गोल आ चुका है स्पोर्टिंग सिटी की ओर से। अलेक्जेंडर इसाक फर्स्ट गोल करते हुए इस मैच में, बहुत ही अच्छा गोल और उतना ही अच्छा शूट, काफ़ी ज़्यादा साइड नेटिंग में था। ओहो कुलीबाली रोक नहीं पाए अलेक्जेंडर इसाक को और मार्टिनेज भी सेव नहीं कर पाए शूट को। अलेक्जेंडर इसाक 10th मैच 11th गोल। यूसीएल एक बहुत ही अच्छा पास बना, स्क्रीन यार कवर नहीं कर पाए और गोल केविन ट्रैप सेव भी नहीं कर पाए शूट को। पोलिटोनो क्रॉस ओसमैन शूट और एक से या किक ऑफ टारगेट शूट मारा ओसमैन ने। पेलिया जाओ पेलिया, मोहम्मद साला बहुत ही बेहतरीन ड्रिबल और शूट करने की अच्छी कोशिश से गोलकीपर मार्टिनेस का। मोहम्मद साला पास पेड्रो गोंजालविस शूट गोल। पेड्रो गोंजालविस गोल करते हुए बहुत ही बेहतरीन ड्रिबल और गोल, एक अच्छा पास आया पेड्रो गोंजालविस के लिए, काफ़ी अच्छा एंगल था शूट के लिए और गोल भी। मार्टिनेज सेव नहीं कर पाई शूट को। ओहो बहुत ही बेहतरीन कर्व शूट, मार्टिनेज कुछ भी नहीं कर पाए। नूनो मेंडिस बहुत ही बेहतरीन ड्रिबल इच्छा कर पाते। नूनो मेंडिस अच्छा मौका बन सकता है। नूनो मेंडिस क्रॉस हेडर लगाने की कोशिश, क्लियर हुआ बॉल किस तरह से। अल्ट्रास बहुत ही बेहतरीन ड्रिबल, पासिंग भी बहुत ही अच्छी थी ओसमैन की ओर से। ये क्या अल्ट्रास सेव, ओहो बहुत ही बेहतरीन सेव था फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम इंटरसेप्ट हुआ बॉल। एक और मौका नापोली के पास, ओसमैन आगे निकल चुके सेव केविन ट्रैप का और एक गोल। ओहो अच्छी कोशिश थी स्पोर्टिंग सिटी की सेव करने की। ओ सेकेंड टाइम गोल मार्टो पोल्टानो 5th मैच 4th क्रूशियल गोल। फर्स्ट हाफ में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, देखिए सेकेंड हाफ में क्या कर पाती है स्पोर्टिंग सिटी और नापोली। नापोली की ओर से कॉर्नर, देखिए क्या होता है इस कॉर्नर के जरिए क्या कर पाती है नापोली। बैक पास बहुत ही अच्छा बैक पास पर ओहो सेकेंड टाइम इंटरसेप्शन हुआ, इंटरसेप्ट लारिस का। मार्टिन नूनेस पेड्रो गोंजालविस पास अलेक्जेंडर इसाक पास पेड्रो गोंजालविस शूट। ओहो कमाल का शूट पेड्रो गोंजालविस, अलेक्जेंडर इसाक ने लास्ट टाइम पे पास किया पेड्रो गोंजालविस को। ओहो अलेक्जेंडर इसाक पेड्रो गोंजालविस ओपन थे, राइट टाइम पे उन्हें पास किया गया, शूट लगा नहीं सकते थे अलेक्जेंडर इसाक और बहुत ही बेहतरीन ओपन शूट।
किसी भी प्लेयर के पास कोई मौका नहीं था नापोली की शूट को रोकने का। सेकेंड गोल पेड्रो गोंजाल्विस, मजरावरी पास मोहम्मद साला, बहुत ही बेहतरीन मौका, हेडर, मजरावरी को सब्सिट्यूट किया जाएगा और युग्रीस आएंगे। पास मोहम्मद साला, शूट इंटरसेप्ट हुआ, बहुत ही अच्छा मौका उस समय। काउंटर रन बहुत ही बेहतरीन था, पर किस तरह से ब्लॉक कर दिया वापस से स्पोर्टिंग सिटी ने। नापोली अटैक करने की कोशिश, ये क्या होता है, इस अटैक के जरिए ब्लॉक हुआ पास, ये क्या कर पाती है नापोली, एक और अटैक बनाने की कोशिश। ओह बहुत ही बेहतरीन पास, शूट पासिंग में थोड़ी गलती हुई नापोली की ओर से। फुल टाइम होने से पहले ये मैच ड्रॉ है फिलहाल के लिए, तो ये मैच ड्रॉ हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन ड्रॉ 2-3 से। एक्स्ट्रा टाइम में ये मैच कहाँ तक जाएगा, कोई तो इंजर्ड हो चुका है शायद से, नापोली का प्लेयर इंजर्ड कर चुके हैं। मेरेट इंजर्ड हो चुके हैं जो भी प्लेयर है। अल्टर एज क्रॉस, बहुत ही अच्छा क्रॉस, और एक मौका केविन ट्रैप के सीधे हाथों में, मगर नूनो मेंडिस इंटरसेप्ट। गोंजाल्विस बहुत ही बेहतरीन ड्रिबल, गोंजाल्विस के पास मौका है शूट से, मार्टिनेस का फर्स्ट हाफ के एंडिंग मोमेंट पे, एक्स्ट्रा टाइम के। अब मौका है एक्स्ट्रा टाइम के सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ इतना अच्छा नहीं रहा एक्स्ट्रा टाइम का। अब देखिए सेकेंड हाफ में क्या होता है, इंग्स इस सीजन छोड़ के चले जाएंगे इंग्स नापोली को एक शायद से अमेरिकन क्लब में, यानी MLS में। शूट ओ पास ब्लॉक हुआ, पर क्लियरेंस ठीक से नहीं हुआ क्लियर की ओर से। ओह शूट इंटरसेप्ट, एलेज पास इंग्स क्रॉस शूट, केविन ट्रैप को सीधे हाथों में, इंटरसेप्ट करी जा रही है दोनों टीमें एक ने पासिंग को। ओह मोहम्मद साला बहुत ही बेहतरीन ड्रिबल, बॉल को संभाला मोहम्मद साला ने, माथी नूनेस शूट, ओह बहुत ही अच्छा मौका था माथी नूनेस के पास। अब पेनल्टी में जा चुका है ये मैच, दोनों टीमों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा ओवरऑल। देखिए अगर पाते इंग्स, केविन ट्रैप सेव, इंग्स की पेनल्टी थी, सेव कर दी केविन ट्रैप ने आसान था सेव। कैप्टन मार्टिनेज सेव नहीं कर पाए फर्स्ट शूट को, अलेक्जेंडर इसाक की पेनल्टी थी, ओहो उस समय की पेनल्टी कामयाब रही। मोहम्मद साला बहुत ही बेहतरीन पेनल्टी, ओनास शूट सेव नहीं कर पाए केविन ट्रैप, इस गो की पेनल्टी कामयाब रही आसानी से। लोबेट पेनल्टी सेव कर दी केविन ट्रैप में, सेकेंड पेनल्टी सेव, ओह बहुत ही बेहतरीन मौका था पर पेनल्टी मिस कर दी गोंजाल्विस ने। द इनिस सेव, थर्ड टाइम सेव, जीत चुकी है यहाँ स्पोर्टिंग सिटी। केविन ट्रैप बहुत ही बेहतरीन सेव, तीन लगातार सेव निकाले और पेड्रो गोंजाल्विस ने अपनी पेनल्टी मिस कर दी। सेमीफाइनल में जा चुकी है स्पोर्टिंग सिटी, बहुत ही बेहतरीन पेनल्टी सेव केविन ट्रैप, ये मैच जीता पेनल्टी में जाकर स्पोर्टिंग सिटी ने। एग्रीगेट स्कोर रहा 4-4 ड्रॉ, ये मैच जीता था स्पोर्टिंग सिटी ने 3-2 से। लिवरपूल आउट हो चुकी है क्वार्टर फाइनल में और एटलेटिको मैड्रिड आगे जा चुकी है। अब मैच है स्पोर्टिंग सिटी का आरकुआ के अगेंस्ट, आरकुआ ये टीम है 14th पोजीशन पे। ये मैच फिक्सिंग करेगी स्पोर्टिंग सिटी अपनी मेन लाइनअप के साथ, देखिए क्या होता है इस मैच में, क्या कर पाती है स्पोर्टिंग सिटी। ये मैच जीत चुकी है स्पोर्टिंग सिटी 4-2 से, अलेक्जेंडर इसाक के दो गोल, मोहम्मद सलाह के दो गोल, आरकुआ की ओर से लैंडारो के दो गोल। क्लीन शीट रख नहीं पाई स्पोर्टिंग सिटी इस मैच में, क्योंकि स्क्रीनियर रेड कार्ड खा चुके थे डबल येलो की वजह से। अब मैच है स्पोर्टिंग सिटी का मॉरिनियस एफसी के अगेंस्ट, ये टीम में 10th पोजीशन पे। इस टीम के अगेंस्ट मेन लाइनअप के साथ फिक्सिंग करेगी स्पोर्टिंग सिटी, देखते क्या होता है इस मैच में, क्या कर पाती है स्पोर्टिंग सिटी। इस मैच को जीता है स्पोर्टिंग सिटी ने 4-1 से। यान मार्टिनेज का एक गोल आया शुरुआत में, बाद में आया पेड्रो गोंजाल्विस के दो गोल, मोहम्मद साला का एक गोल, अलेक्जेंडर इसाक का एक गोल,
ओवरऑल मैच अच्छा रहा स्पोर्टिंग सीपी के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो में गलतियों को माफ कर देना। मिलते क्लैपबोर्ड में, बाय बाय दोस्तों।